प्रीता कर लेगी पृथ्वी के कमरे पर कब्जा और प्रीता आधी रात को जाएगी महेश उथरा से मिलने और देख लेगी राखी माँ और राखी माँ के सामने आ गया प्रीता का असली चेहरा और करीना वो और दादी को होगा अपने किए का एहसास। लेकिन एक दिन के लिए प्रीता रुकेगी करण के कमरे में और करेगी सबसे पुराने रहस्य का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता 3 गिनेगी और जिसे इस लूथरा उसमें प्रीता के रूल्स नहीं मानने उसे इस घर से जाने के लिए कहेगी, तभी कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, जिसके बाद प्रीता लूथरास के सबसे बड़े कमरे यानी कि पृथ्वी के कमरे पर कब्जा करने के लिए गिरीश को बुलाएगी और गिरीश को कह देगी कि इस घर के सबसे बड़े कमरे यानी कि पृथ्वी के कमरे को साफ कर दो और पूरे गंदे कमरे को सैनिटाइज कर दो ताकि मैं उसमें ठीक से सांस ले सकूं। यह सब सुनकर और प्रीता का यह नया लालच वाला रूप देखकर सबके होश उड़ जाएंगे और पृथ्वी प्रीता से लूथरास की सारी प्रॉपर्टी और लूथरास के सारे बिजनेस को पाने के लिए प्रीता को जान से मारने का प्लान बनाएगा और प्रीता पूरे 2 साल बाद करण के कमरे में जाकर अपनी फैमिली फोटो को लेकर काफी ज्यादा रोएगी और करण की पुरानी यादें याद आएगी। लेकिन वहीं करीना बहुत दादी और कृतिका एंड समीर करण को लेकर एक कमरे में होंगे, तभी कृतिका कहेगी कि क्या से क्या हो गया, पहले हम पृथ्वी की वजह से परेशान थे और अब हम प्रीता की वजह से परेशान है। यह सुनकर करीना बहुत सोच में पड़ जाएगी लेकिन समीर मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने की वजह से जब कृतिका समीर से सवाल करेगी कि क्या हुआ तब समीर कहेगा कि प्रीता भाभी पृथ्वी से कई गुना अच्छी है, इसीलिए मुझे सुकून मिल रहा है क्योंकि अब प्रीता भाभी हमारे इस घर को सही तरह से संभालेगी। यह सुनकर करीना बुआ और दादी को काफी बड़ा शौक लगेगा। लेकिन जब प्रीता अपने कमरे से रोती हुई अपने पापा जैसे महेश उथरा को याद करती हुई जब मिलने के लिए जाएगी तभी बीच में राखी माँ आ जाएगी और राखी माँ प्रीता को कहेगी कि कहाँ जा रही हो प्रीता, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। तब प्रीता राखी से बात करने के लिए खड़ी हो जाएगी और जब राखी प्रीता की आंखों में आंखें डालकर सवाल करेगी कि तुम ये सब क्यों करी हो और तुम ये नए रूप का ड्रामा क्यों करी हो जबकि मुझे पता है कि तुम असलियत में क्या हो, तुम्हारा ऐसा लालच वाला दिल हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं मेरी प्रीता को अच्छी तरह से जानती हूँ। यह सुनकर प्रीता अनजान बनती हुई कहेगी कि आपको कैसे बिलीव नहीं होता कि मैं दूसरी प्रीता हूँ। यह सुनकर राखी माँ कहेगी कि एक माँ का दिल कह रहा है कि तू किसी वजह से परेशान है और इसीलिए मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ कि तुम्हारे दिल में जो भी बात है वो मुझे बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैं पहले भी तुम्हारे साथ खड़ी थी और अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर प्रीता कुछ जवाब नहीं देगी और कहेगी कि आप जाकर सो जाइए, जिसके बाद प्रीता अपने दिल पर पत्थर रख के इमोशनल होकर नीचे बेसमेंट में महेश दूसरा से मिलने के लिए जाएगी, जहाँ पर जब महेश दूसरा पहली नजर में प्रीता को देखेगा तभी प्रीता को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और खुशी के मारे महेश दूसरा प्रीता को कहेगा कि मेरी बेटी आ गई, मुझे बचाने के लिए आ गई। यह सुनकर प्रीता कहेगी हाँ पापा मैं आ गई हूँ और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। यह सुनकर महेश दूसरा काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और कहेगा कि अब मुझे कोई डर नहीं क्योंकि अब मेरी बेटी मेरे साथ है। जिसके बाद जब प्रीता अपने कमरे में जाएगी और सो जाएगी तभी करण आधी रात को अपने कमरे में आएगा और प्रीता को अपने बेड पर सोते हुए देख काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और खुद सोएगा नहीं, बस प्रीता को देखता रह जाएगा। और आप करण प्रीता को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आपको करण प्रीता की जोड़ी कैसी लग रही है और प्रीता यहाँ पर किस लिए आई है, क्या राखी माँ को बता देना चाहिए क्या नहीं और शैलिन पृथ्वी की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।